we start. Nothing new will be taught to you. Everybody know that, right? Yes, ma'am. तो कुछ भी नया नहीं सिखाया जाएगा. That's the one thing that you have to understand. Second thing that you have to understand is I'm defining whole concept syllabus. पहले जब भी syllabus आपको group में दिया गया था तो वो complete chapter बोला था हमने. But you know orange houses is for orange. Is the video clear? Right. So it is for orange house and blue house and for red house. For three houses. Okay. This particular test is there. So our orange house is little bit behind. Orange house थोड़ा सा पीछे है. और क्योंकि orange house थोड़ा सा पीछे है, हमको थोड़ा syllabus में edit करना है. So what is that edit I am discussing? So edit is the last lecture that I did with you all. Red and blue house was laws. The laws of chemical combination nahi hai. Okay. Aur kya nahi hai? Concentration term mein molality nahi hai. Formality nahi hai. Molarity tak hai. So syllabus is only till molarity. So agar if I have to discuss assignment wise, 1 to 10 assignments. Okay, you need to cover assignment 1 to 10. Is that clear to you? Ma'am, molarity is according to your notes, na, kyunki module mein mole fraction molarity ke baad hai. Sunai nahi de raha beta. Can you speak loudly? Ma'am, actually module mein jo laws hai, wo sabse pehle diye hua hai. और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसमें भी अरेंजमेंट डिफरेंट है. आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ी सी अलग अरेंजमेंट. वो तो होगी बेटा, उसका अरेंजमेंट का सीक्वेंस फ्लो तो हर टीचर का अलग होता है. मैम वही तो मोलारिटी आपके मतलब आपके नोट्स के हिसाब से मोलारिटी या फिर मॉड्यूल के हिसाब से मोलारिटी, क्या फर्क है मोलारिटी में मेरे नोट्स के हिसाब से और मॉड्यूल के हिसाब से? मैम मॉड्यूल में मोल फ्रैक्शन एंड में और मोलारिटी पहले और आपके नोट्स में मोल फ्रैक्शन. नहीं मैंने एक्सक्लूड क्या करना है बोला ना मैंने. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या आएगा? परसेंट आएगा, पीपीएम आएगा, पीपीपी आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा और मोलारिटी आएगा. सो ऑब्वियसली व्हेन आई एम गिविंग यू द सीक्वेंस इट इज एज पर व्हाट आई हैव टॉट यू इन क्लास वर्क. एज यू टेक मॉड्यूल और यू टेक सम अदर बुक इट विल हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस. मैम मोलारिटी इक्वेशन है क्या? डाइल्यूशन किसके? मोलारिटी इक्वेशन. हाँ डाइल्यूशन इक्वेशन मतलब मैंने तो बेसिक मोलारिटी तक ही ऑरेंज हाउस में पढ़ाया है. बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी एंड कैलकुलेटिंग मोल्स एंड मिलीमोल्स दिस मच इज टॉट इन ऑरेंज हाउस. ओके मैम. डाइल्यूशन इक्वेशन नहीं करवाया उनको, एडिशन नहीं करवाया, डेंसिटी वाला इक्वेशन नहीं करवाया, ये सब नहीं करवाया. तो मोलारिटी भी द इनिशियल फर्स्ट फॉर्मूला ओनली एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स. ओके मैम ठीक है. तो अभी सिलेबस के रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, डाउट है सिलेबस कितना तक आ रहा है इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पहले वो पूछ लो. Because I don't want any confusion. Of course, you have studied more, तो कोई दिक्कत है ही नहीं. अगर किसी ने पूरा चैप्टर कर लिया है तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना. You already learned more. But what is required is minimum this. Am I clear? Yes, ma'am. आप फिर से एक बार बोल सकते हो? हाँ, मैं फिर से एक बार बोल सकती हूँ ना. मेरे अगर क्लास वर्क नोट है तो सीक्वेंस में सब कुछ पहले से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमने किए उसमें परसेंट मैंने पहले सिखाया, उसके बाद में पीपीएम, पीपीपी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी. दैट इज इट. सो इट इज ओनली टिल मोलारिटी, कैपिटल एम. मोलारिटी इज टॉट टू यू आफ्टर दैट. सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Till molarity, it is imputed. Okay, तो ये syllabus का हो गया. अभी let us talk and understand about the level of questions, what actually we need to do. So this exam is your mains pattern exam only. You will be asked 25 questions, जिसमें से 20 single answer correct type होंगे और 5 integer type होंगे. Okay.
तो ये मेन स्ट्राइक का है. अभी आज जो डाउट लेक्चर है जिसमें आई कैन सी मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, आई रिस्ट्रिक्ट द डाउट ताकि सबके क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम मेंस तक ही है. आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी डाउट ऑफ द एक्सरसाइजेस, एडवांस एक्सरसाइज. मैम एडवांस लास्ट में कहा था रेड हाउस में ब्लू हाउस में कि एडवांस के एक्सरसाइज सॉल्व करके आओ, हम अगले वीक करेंगे. हां मैम, क्योंकि जब भी आपका लेक्चर सेपरेट होगा all the exercises except advance and assignment doubt from assignment 1 to 10. Yes ma'am, ma'am assignment. तो सबसे पहले मैं assignment doubt से start कर रही हूँ. हाँ ma'am. Assignment के doubt हो गए तो मैं module के doubt लूँगी. अगर किसी को ये दोनों में doubt नहीं है, can exit. I have no issue. Am I clear? Yes ma'am. जो हमारे एडवांस के एक्सरसाइज के डाउट है, जब भी नेक्स्ट वीक हम अलग से मिलेंगे अपने अपने बैचेस में, हम उस टाइम पे उसको कर लेंगे. ओके मैम. सो एनी क्वेरी, एनीथिंग दैट एनीवन वांट्स टू टॉक टू मी? नो मैम. मैम ऑल क्लियर? मैम यस मैम. यस मैम. ओके, तो असाइनमेंट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम असाइनमेंट 10, राइट? बिकॉज असाइनमेंट 10 शायद बहुत सारे बैचेस में डिस्कस नहीं हुआ था, तो मैं रिवर्स पूछती हूँ एक एक असाइनमेंट करके. तो एनीवन हैविंग डाउट इन असाइनमेंट 8 प्लीज टेल मी. 1 and 2 असाइनमेंट 8 नहीं 10 बेटा, असाइनमेंट 10 10 लास्ट असाइनमेंट. मैम 12 13 और 15 कर सकते हो? दैट इज मेनली फ्रॉम मैम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मैम ऑरेंज हाउस में 9th और 10th असाइनमेंट नहीं दिया है और 8th डिस्कस भी नहीं हुआ. हाँ मैम. हाँ मुझे पता है बेटा. तो मैम 9 और 10 पोर्शन में है या नहीं टेस्ट के, मतलब उनसे क्वेश्चन वो असाइनमेंट से? 9th और 10th है. आपको सेट आया कि सर सके ऑरेंज हाउस में, मुझे पता. क्या सिखा द लास्ट टॉपिक टॉट टू यू इन ऑरेंज हाउस? 1 मिनट मैम. मैम हां बोलो. मैम आपने 12, 13 और 15 सम लिखे मैम असाइनमेंट 10 में. एक मिनट, अभी आई कांट, आई डोंट नो विथ हूम आई एम टॉकिंग. इफ यू स्टार्ट टॉकिंग एवरीबॉडी टुगेदर आई एम क्लूलेस. सो समबडी फ्रॉम ऑरेंज हाउस वाज स्पीकिंग विद मी एंड द डिस्कशन इज रिगार्डिंग द सिलेबस. लेट दैट गेट फिनिश्ड देन आई डिस्कस दिस. ओके मैम. वी डिड टिल मोलारिटी. तो मोलारिटी तक सिखा के हो गया है ना आपको? हां. बट मैंने आपको आगे के असाइनमेंट 9 और असाइनमेंट ये सॉरी 9 और 10 असाइनमेंट नहीं दिए. नहीं मैम. हाँ तो आई विल शेयर इट विद यू. वो मोलारिटी तक ही है, उसके आगे के नहीं है असाइनमेंट. ठीक है, तो मोलारिटी तक ही सिलेबस है. तो सिलेबस में कोई इश्यू है नहीं ना. ऑरेंज हाउस में भी मोलारिटी तक सिखाया है मैंने. हाँ परसेंट सिखाया है, पीपीएम सिखाया है, पीपीपी सिखाया है, मोल फ्रैक्शन सिखाया है. राइट, तो वही है बेटा, ये वही है. So what I can do is I can share those two assignments right away with you, so that at least when we are doing the doubts, you can connect. Yes ma'am. मैं तो दस रेड हाउस में ऑरेंज हाउस के ग्रुप में शेयर कर रही हूँ 9 and 10. मैम असाइनमेंट 10 मोलालिटी के ऊपर है. 10 मोलालिटी है पक्का? हाँ मैम मोलालिटी है. यस मिस मोलालिटी और लास्ट में 9 तक ही करके ऑरेंज हाउस में मैं मोलालिटी का असाइनमेंट 9 अभी शेयर कर रही हूँ. हाँ बेटा पता है, बट वो सिलेबस की वजह से आज लेट्स सी इफ आई हैव टाइम आई विल डिस्कस 10, बट लेट मी कंस्ट्रेन. आई विल पुट अ मार्क समवेयर एज पर सिलेबस. तो असाइनमेंट 1 टू 9 के डाउट्स हो जाएंगे तो मैं 10 भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं. टाइम परमिट्स आई विल डू एवरीथिंग. मैम असाइनमेंट डेट हुआ था ब्लू हाउस में?
अपना असाइनमेंट 10 कौन सी थे मोलार लिखी थी ये एग्जाम में ऑन तो अभी सिलेबस पे समबडी इज टॉकिंग प्लीज टॉक अमंगस्ट योरसेल्फ माने डाउट छे तो असाइनमेंट माइक चालू है किसका माइक चालू है प्लीज स्विच ऑफ द माइक करवा दे चलो ले एडवांस करवा दे चलो मैं एकदम हार्ड वाला सुन नहीं सुन रहा ब्रज का है मैम कौन बड़बड़ कर रहा है अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो अलग तो वही है 15 सम कर लिया था बेटा बेटा दो मैम हाँ बेटा मैं विराज मैं विराज को ही है विराज बात कर रहा है विराज एंड शिखर दोनों की माइक मुझे ऑन दिखते है क्योंकि अभी सोच एग्जाम में कर दो कैसे काम आ रहा था आप ही म्यूट कर दो ओके सो दैट्स सम रिलीफ तो मोलारिटी की असाइनमेंट 9 है असाइनमेंट 10 मोलारिटी की है तो इसके लिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रही इज दैट क्लियर तो असाइनमेंट 9 तक कुछ डाउट है तो पूछो अदरवाइज आई एम डिस्कसिंग द डाउट्स फ्रॉम बुकलेट सर मैम असाइनमेंट 8 में ये कौन से हाउस वाला है तू ब्लू हाउस तो बेटा ब्लू हाउस में असाइनमेंट 8 डिस्कस हुआ था ना फिर भी डाउट रह गया कुछ सर फर्स्ट एंड सेकंड मैम मैम असाइनमेंट डेट एक बार हुआ था ब्लू हाउस में एग्जैक्टली ना वही तो मैं बोल रही हूँ असाइनमेंट 9 भी ब्लू हाउस में हुआ था राइट मैम शायद एक मिनट चेक करता हूँ हाँ हुआ था असाइनमेंट 9 जब डिस्कस असाइनमेंट 10 इज पेंडिंग अगर रेड हाउस सामने बैठा है असाइनमेंट 10 नीड्स टू बी डिस्कस बाकी सारे असाइनमेंट डिस्कस हुए यस मैम यस मैम ब्लू हाउस में बताइए हैव आई डिस्कस असाइनमेंट 9 विद यू 8 श्योरली डिस्कस मैम 8 तो हुआ है शॉर्टली है 8 आई एम वेरी श्योर भी हुआ है 9 इज आल्सो हुआ है मैम असाइनमेंट 9 का डिस्कशन शायद आईसीएसई वालों ने मिस किया होगा अच्छा ये हो सकता है आईसीएसई वालों ने मिस किया तो पहले एक काम करूं ये असाइनमेंट वाले लोग बाद में जिन्होंने मतलब सबको सबका टाइम क्यों वेस्ट करूं आप मॉड्यूल के डाउट पूछ लो यस मैम यस मैम असाइनमेंट से लेट अस गो फॉर मॉड्यूल डाउट्स अदर देन your advanced exercises that's better miss left hand side ka board cut ho raha hai ha but kuch likha nahi hai na main kar dungi beta okay miss filhal to kuch likha nahi hai na board pe I will adjust that I understood that I will do it to okay, whole concept module mein agar kisi ko koi doubt hai to pucho that is the first thing we will discuss ma'am 37 ma'am objective ma'am सुनो मॉड्यूल के डाउट पूछ रहे हो तो मुझे आपको आपको मुझे पेज भी बताना पड़ेगा सिर्फ नंबर बता के नहीं होगा बेटा मैम पेज नंबर 44 37 क्वेश्चन नंबर 37 ये आई एम वेरी श्योर ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए कोई फिर से पूछ रहा है एनीवे आई एम रेडी पेज कितना बोला 44 ओके Question 37. I'm discussing. Ma'am, page 49, question 45. Page 49? Sorry, ma'am, page 45. Question 49. Okay. Ma'am, question 37. Page 45, 39. Okay. Ma'am, page number 46, 56 and 57. मैम पेज नंबर 45 41 एंड 42 चलो इतने कर देती हूँ बाद में आगे के बताना लेट मी ओपन दिस एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस देन आई गो अहेड तो आपका पेज नंबर 44 में किसी ने मुझे 44 में 37 आता ही नहीं आता है 46 पे है वो
44 में 37 क्वेश्चन डाउट पूछा, ये तो मैंने सॉल्व किया था। द प्रॉब्लम इज अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% वाटर, द ओरिजिनल सैंपल कंटेन 12% वाटर एंड 45% सिलिका। The partially dried sample is nearly, the percent of silica in partially dried sample is nearly. तो ये जो problem है इसमें एक composition दिया है इसी clay का, so there is a clay which has silica, water है, original clay में water का percent दिया है 12, सिलिका दिया है 45, और व्हाट दे से इज व्हेन यू आर ड्राइंग इट, तो ड्राई से क्या होता है वाटर कम होता है, तो ये वाटर कम हो गया 12% से वाटर 8% तक आ गया। अभी इसमें क्या समझना है कि अगर 12% वाटर है 45% सिलिका है तो और भी कुछ है, देयर इज सम अदर मिनरल प्रेजेंट। Can I understand that percent? 12 plus 45 becomes 57 and 100 minus 57. Okay, it will be 43%. So, jo silica aur mineral ka ratio hai, agar silica 45% hai, to mineral 43% hai. Abhi kisi bhi sample ko tum dry karte ho, to usse moisture ya water nikal ja sakta hai. उसे ड्राइंग से क्या नहीं निकलेगा, सिलिका और मिनरल नहीं निकल सकता, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग कि लेट द परसेंट ऑफ सिलिका बी एक्स, सो व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ मिनरल, 100 92 माइनस एक्स, बिकॉज इट विल बी 100 माइनस 8 माइनस एक्स, सो दिस विल बी 92 माइनस एक्स परसेंट। Is this clear? और अभी हमको क्या लेना है, अभी हमको सिलिका इस टू मिनरल का रेशियो लेना है, which is going to be same. It cannot change. What will change? Simply will be percent of water. Your silica and mineral cannot get evaporated by drying. ये drying से evaporate नहीं हो सकते. Is that clear? So solve this for x. So जिसने किसने doubt किया समझ में आया क्या? 37 question है। मैं वो ratio क्यों लिया? वो ratio इसके लिए लिया क्योंकि वो mineral का ratio change नहीं होगा। हाँ। Silica का। आज तक पूछा था heat करने से water content get change, your minerals don't get change. Okay okay मैम। Minerals are there only. Okay, so I'm solving the next problem. Problem number 39, 37 के बाद, I'm taking problem number 39, which says a hydrated salt Na2SO4XH2O. ये सब सारे batches में discuss किया। आगे discuss हुआ है। फिर मैंने किया था डिस्कस, सिलिका वाला भी किया। नहीं हो गया मैम, फाउंडेशन मिल्टर का सब्जेक्ट नहीं हुआ। 39 आल्सो आई एम वेरी श्योर, बट आई जस्ट डोंट नो व्हिच बैच एंड ऑल मैम। द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ Na2SO4XH2O अंडरगोस 55.9% लॉस इन वेट ऑन हीटिंग एंड बिकम्स अनहाइड्रस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो ये प्रॉब्लम में क्या करना है, तो डिस्कस हुआ है राइट, ये प्रॉब्लम आता है सबको। सो दे से देयर इज Na2SO4XH2O, X इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें जो है वो इट अंडरगोस परसेंट लॉस इन वेट। तो ये परसेंट लॉस क्यों है, क्या निकल जाएगा, वो Na2SO4 बन जाएगा, और ये जो परसेंट लॉस इन वेट है
that is given to you as 55.9%. We need to find what is the value of x. A percent loss q hai. Q is total mass se x moles of water nikal ja rahe hai. और ये x moles of water जो निकल जा रहा है उसका mass जो आ रहा है वो कितना है percent wise 55.9%. So tell me how to go about this. मैम पहले loss percent 44.1 आ जाएगा तो जब 44.1 ग्राम एनी टू सो फॉर द 55.9 ग्राम H2O है 44. क्या करना है 1 आ जाएगा परफेक्ट अगर 44.1 ग्राम एनी टू सो फॉर है तो 55.9 ग्राम वाटर होगा तो 142 ग्राम में फिर 180 ग्राम वाटर रहेगा हां बेटा फिर 18 x = 180 x = 10 नंबर ऑफ सो बेसिकली जो लॉस हमको दिया है लॉस का नंबर दिया है ना इसमें तो परसेंट लॉस अगर मैं 100 से माइनस करती हूँ सो व्हेन आई एम डूइंग दिस परसेंट लॉस माइनस 100 प्रोडक्ट का परसेंट ऑफ आई लॉस दैट पेज या सो परसेंट लॉस गिवन इन दिस प्रॉब्लम is 55.9 so 100 minus 55.9 goes 44.1 so your 44.1 will be how much exactly mass of Ne2SO4 can't hear you beta mass of Ne2SO4 right? What did you say mass of Na2SO4 is 44. Absolutely, Na2SO4. Mass of Na2SO4. So mass of Na2SO4 जो आपको आ रहा है वो 44.1% है. तो mass of Na2SO4 निकालना है. We need to calculate mass of Na2SO4. GMM of Na2SO4 calculate कीजिए. So that will be 46. Plus 32 plus 64. This is gram molecular mass of Na2SO4. So how much is this going to be? 142. कितना आ रहा है? 142 आ रहा है. 142. ये 142 जो है, that is equal to 44.1%. Then we can calculate how much will be 55.9%. Yes. And the answer will come around 180. 180. आपका 142 आता है. Grams per mole. This is the molecular mass of Na2SO4. अभी इसका percent loss दिया है 55.9%. So this is remaining 44.1%. And this 44.1% is 142 grams. So we know I will simply say since 44.1% is equal to 142 grams. Therefore, 55.9% will be equal to, or its answer approximately aata hai 180 grams. Now this 180 grams is the mass of x moles of water. So I will say 6x moles of water is weighing 180 grams. So your x is going to be 180 upon 80 gmm of water. So x ki value ho jayegi 10. This is your problem number 39. The next is problem number 41. तो प्रॉब्लम नंबर 41 बेटा सिमिलर है एग्जैक्टली सेम है यही सॉल्व का प्रॉब्लम है प्लीज डू दैट मैम जिसका आंसर रिवर्स है द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ Na2SO4.10H2O अंडरगोस x परसेंट लॉस तो ये x परसेंट लॉस ये होगा 56% आंसर होगा सो 41 इज एग्जैक्टली सेम एज 39 आई गो अहेड प्रॉब्लम नंबर 42 प्रॉब्लम नंबर 42 सेज एन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन contains 25.4 gram of iodine for 8 gram of oxygen. Its formula will be
हाँ बोलो बेटा, हम लोग 39 क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, 18x is 59.9% of 142 plus 18x. 142 plus 18x. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. हाँ. वैसे भी कर सकते हैं, but इसमें फटाफट हो जाएगा ना, दो variable क्यों ले ले, इसमें फटाफट हो रहा है. This is more faster, right? Yes, ma'am. 42nd question, an oxide of iodine contains 25.4 gram of iodine. तो करना क्या है? ये जो 25.4 दिया है, उसको मुझे आयोडीन के GMM 127 से डिवाइड करना है. So I get moles of iodine in 25.4 grams. So how many moles of iodine are there in 25.4 grams? 0.2. So that becomes 0.2. That becomes 0.2 moles, right? और oxygen 8 gram के कितने moles आएगा बोलो? How many moles your oxygen is? 0.5. So your this is 0.2. I2O5. Moles of iodine. ऑक्सीजन का मास कितना दिया है हमको? 8 ग्राम्स दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8/16 एंड दिस इज 0.5. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज टू ऑक्सीजन? आयोडीन इज टू ऑक्सीजन का मोल रेशियो आ गया 2:5. सो टेक द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली. सो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी I2O5. This is what is your problem number 42. We take problem number 49. Your problem number 49 says how many grams of KCl would have been dissolved in 60 gram of water to give 20% by weight solution. तो इसमें टोटल, ये तो भी परसेंट सिखा दिया, अभी तो ये आ जाना चाहिए. नाउ यू नो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट बाय मास, योर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो इसमें आपका जो परसेंट है सॉल्यूशन का वो दिया है कि 20% है. वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, और वेट ऑफ सॉल्यूशन में वॉटर इज 60, बट इट विल बी ऑलवेज 60 प्लस सॉल्यूट इनटू 100. सॉल्व दिस फॉर एक्स एंड गेट योर आंसर. सो दिस इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम नंबर 49. देन इट इज 56. हेलो मैम, ये जो पेज नंबर 46 पे ना 54th वाला भी डाउट है, वो भी आप एक साथ कर दो ना. 54. हाँ, ये भी सारे क्लास में किए हैं बेटा. पेज नंबर किस पे? 54 ना, 46 पे. हाँ मैम. ओके, सो आई एम सॉल्विंग 54 प्रॉब्लम नाउ, which says 10 gram sample of mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with Na2CO3 to precipitate the calcium as calcium carbonate. So, this problem mein they say there is a mixture of calcium chloride and sodium chloride. A mixture hai. और इस मिक्सचर का टोटल मास दिया है 10 ग्राम्स. दिस बोथ टुगेदर इज 10 ग्राम्स. एंड देन दिस इज ट्रीटेड विद Na2CO3. इसकी रिएक्शन दी है Na2CO3 के साथ. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज NaCl इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद Na2CO3, बट कैल्शियम क्लोराइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद Na2CO3.
So when we do this reaction, it will be calcium chloride plus Na2CO3, giving you CO3 plus calcium carbonate plus 2NaCl. Ye reaction hogi. They say that in the problem also. They say that in the problem, he is treated with sodium carbonate to precipitate the calcium as calcium carbonate. Iske aage bola hai, this calcium carbonate is heated. So iske aage, next step is this calcium carbonate is heated. Isko heat karna hai. And then what will happen? Convert calcium all the calcium to calcium oxide. Yes, ma'am. Or CO2. And obviously, plus kya banega? Carbon dioxide. And then they say this calcium oxide is 1.2 grams. 1.62 gram. Iska mass diya hai. This is 1.62 gram. So, ye problem mein aapko kya samajhna hai? Calcium carbonate agar 1 mole hai, to calcium oxide 1 mole. Or calcium chloride 1 mole hai, to calcium carbonate bhi 1 mole. So, simply here, जो आपके मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है दे आर सेम एज मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सेम एज मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सो वी कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एज वी हैव बीन गिवन मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो हम मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे 1.62 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 56 कैल्शियम इज 40 एंड ऑक्सीजन इज 60 तो 1.62 को हम 56 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस मोल्स लिटिल लेस देन 0.028 मोल्स 2829 Yes. So this is almost 0.029 moles. तो अभी ये जो मैंने calcium oxide के moles आ गए, ये आ गए. ये same as that of moles of calcium chloride है. Yes. Therefore I say, therefore moles of calcium chloride is going to be 0.029 moles. So, I got the moles. Abhi moles se mujhe kya karna hai? Mass find out karna hai. So, what will be the mass of calcium chloride? These moles to be multiplied by gram molecular mass of calcium chloride, which is 111. So this multiply by 111. The answer is around 3.21 grams. So yeah, answer aata hai around 3.21 grams. तो आपके 10 ग्राम सैंपल में क्या समझ में आया हमको ये पूरे कैलकुलेशन के कि जो टोटल 10 ग्राम था उसमें ये 3.21 ग्राम है तो 10 ग्राम में 3.21 इज हाउ मच परसेंट 32.1% वी आल्सो अंडरस्टूड हाउ मच इज NaCl एंड द परसेंट ऑफ NaCl आल्सो जो कोई भी रिएक्शन अंडरगो नहीं किया तो रिएक्शन ऑफ NaCl स्टिल वी कैन फाइंड आउट NaCl कितना है इज दैट हियर प्रॉब्लम नंबर 54 जिसका भी डाउट था हां मैम समझा प्रॉब्लम नंबर 56 सब्जेक्टिव वाले डिस्कस होंगे नहीं कोई भी पूछो भी ये तो ऑब्जेक्टिव वाले ही चल रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 56 सेज अ मिक्सचर ऑफ KBr एंड NaBr weighing 0.56 gram was treated with
Ag plus. तो यहाँ पे भी मिक्सर है दो सॉल्ट्स का, KBr है, NaBr. दोनों मिला के जो मास है वो 0.56 ग्राम्स दिया है. Then they talk about the reaction जिसमें ये mixture को Ag plus के साथ treat किया है. So when I write that reaction, it is going to be 2 moles of Ag plus, and I get the precipitate of 2 moles of AgBr. And yes, plus K plus and Na plus. तो अभी इसमें समझना क्या है, जो AgBr का प्रेसिपिटेट मुझे मिल रहा है उसके मोल्स हो गए 2. सो व्हेन आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ KBr, 1 मोल ऑफ NaBr, AgBr इज 2 मोल्स. सो आई कैन ऑलवेज से जो मोल्स ऑफ AgBr है that is equal to moles of KBr plus moles of NaBr. Right, now let us see what data is given to us and what we can find out in this. तो अब इसमें मैं assume करती हूँ कि अगर KBr X है, so I need to assume something here. So I'm assuming ki let the KBr in the mixture be X grams. So NaBr ho jayega 0.56 minus X grams. So I have the mass of KBr and NaBr in terms of X. I also have the precise mass of AgBr. So AgBr ka mass diya hai 0.970. So I can calculate moles of AgBr. आसानी से आ जाएगा. यस मैम. मोल्स ऑफ AgBr विल बी 0.970 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr. सो सिल्वर इज 108, योर ब्रोमीन इज 80. 108 प्लस 80 इज गोइंग टू बी 188. These are the moles of AgBr. Can I calculate moles of KBr? I can. They will come in terms of X. So 18 grams is X upon molecular mass of KBr is 18.19. So that will be 119 moles. And similarly, I can calculate the moles of NaBr also in terms of X. So that will be 0.56 minus X. Sodium is 23 and bromine is 80. So this will be 103 moles. Ma'am. Bolo. मैम हम लोग AgBr का जो मोल्स है वो फाइंड आउट करके बाद में हम लोग KBr का मोल्स फाइंड आउट करके डायरेक्टली उनका मास निकाल सकते हैं ना. अब वही कर रही हूँ ना, मैंने तीनों के मोल्स फाइंड आउट किए. आई जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. सो इट विल बी 0.970 अपॉन 188. दीज आर द मोल्स ऑफ AgBr. दे विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KBr x अपॉन 119. ओके, प्लस मोल्स ऑफ NaBr. And just solve this for X. इसको आप X के लिए solve करो. Your X का answer directly आ जाएगा बेटा. हम दोनों prime number हैं. दोनों prime numbers हैं. LCM बहुत बड़ा जा रहा है. आ जाएगा ना, calculation है, cut होने वाले simple number नहीं है. तो we can't expect कि हमेशा cut होने वाले simple number ही दिए जाएंगे. Ma'am. Yes ma'am. ये प्रॉब्लम किसी और मेथड है क्या, जैसे मोल्स ऑफ KBr प्लस मोल्स ऑफ NaBr?
उसको छोड़ के कोई और मेथड क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम है, वही यूज करेंगे. तो जैसे वो इक्वेशन है मोल्स ऑफ ए जी बी आर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के जी बी आर प्लस मोल्स ऑफ एन ए बी आर. हाँ, ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स में वैसा इक्वेशन बनना जरूरी नहीं है ना. तो अगर मोल्स ऑफ ए जी बी आर से बैक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो इस प्रॉब्लम में तो कोई और डेटा है ही नहीं. अच्छा, ए जी बी आर छोड़ के कोई और डेटा दिया है आपको? नहीं. तो फिर कैसे करेंगे? अगर ए जी बी आर का डेटा यूज नहीं करना है तो कुछ क्लू है ही नहीं इस प्रॉब्लम में. हाँ. ये नहीं मान सकते कि जितना के बी आर है उतना एन ए बी आर है, ये बोला नहीं है. हाँ. तो फिर यही वे है. अच्छा नहीं, मैं क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गया था. मैंने देखा ही नहीं 0.970 मोल्स मानी ग्राम्स गिवन है एजीबीआर का. हाँ, दिया है ना बेटा. हाँ वही, मैं वही सोच रहा हूँ मोल्स ऑफ एजीबीआर कैसे आया. उसी को यूज करना है, वो ग्राम्स से मोल्स निकालेंगे, उस मोल्स को कनेक्ट करना है, वही मैंने किया. हाँ, समझ गया. तो बिना यूज किए कोई दूसरा मेथड पॉसिबल नहीं दिखता मुझे. यस मैम. तो ऐसे मिक्सचर के प्रॉब्लम्स में बहुत बार आपको ऐसे x के टर्म्स में इक्वेशन लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है. सो आई शोड यू प्रॉब्लम नंबर 56. मैम बोलो बेटा. मैम जो आपने लिखा है मोल्स ऑफ ए जी बी आर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के बी आर प्लस मोल्स ऑफ एन ए बी आर, उसमें ऑलवेज द मोल्स ऑफ के बी आर एंड मोल्स ऑफ एन ए बी आर वुड बी इक्वल राइट? बिकॉज मतलब जो आपने एग्जांपल लिखा है ऊपर उसके हिसाब से. सो कांट वी जस्ट डायरेक्टली डिवाइड? यू रोट लाइक ऊपर लिखा है ना आपने 1 मोल ऑफ के बी आर प्लस 1 मोल ऑफ एन ए बी आर. बैलेंसिंग जो है इसका, इस रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है वो वही बता रहा है तुमको. हाँ हाँ, मैंने ये बैलेंसिंग लिखा है. यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, तभी जो एच ई बी आर मिलेगा. मतलब एच ई बी आर में जो बी आर आ रहा है वो के बी आर से भी आएगा और एन ए बी आर से भी आएगा ना. हाँ, सो डज दैट मीन कि इन एवरी रिएक्शन लाइक whatever the amount of the grams we take of NaBr or KBr, the moles will be equal. Like, is there a compulsory? Moles equal, mass equal नहीं बेटा, moles equal होंगे. Yeah, moles, moles. Ah, moles, moles will be equal, right? Absolutely. That's so what your stoichiometry is saying you. So can't we directly divide 0.970 upon 188 with 2 to get the moles of NaBr and KBr? ये जो मोल्स आएंगे इनको क्या करेंगे? डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करेंगे. या द मोल्स ऑफ एजीबीआर. तो 0.97 डिवाइडेड बाय 188. ये जो मोल्स होंगे इसके हाफ एनएबीआर के होंगे और हाफ केबीआर के होंगे. यस, इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है ये? 2.5703 और इसको केबीआर के मास से मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ सकता है. So this is okay, right? Yeah, okay. थोड़ा सा इधर उधर होगा. गलत आ रहा है. आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. बोलो. मैम लेकिन ऑप्शन में सारे आंसर बहुत पास पास कहता हूँ, approximately नहीं निकाल सकता. Exactly. That is the whole story. You check the option, the answers are very close. इसमें कोई approximation 0.25 दिया है, 0.212 दिया है और 0.28 5 and 0.36, they are so close. So you should actually solve it properly and get the answer. Approximately, ऐसे problem में नहीं करो. Okay, thank you, ma'am. हमेशा approximate करना है कि नहीं करना है, ये decision option देख के लेना चाहिए. अगर इसमें option vague है, एक 0.25 है, दूसरा 0.75 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से approximate में solve करो. But look at the way the answers are given, so narrow, and that's the reason they don't do approximation. ठीक है, तो अभी जो questions पूछे गए उसमें बस एक ही बाकी है अभी, question number 57. Then I take another. Mam, 58 भी doubt है. Okay बेटा, मैं लिखती हूँ. Don't worry, मैं सबके कर रही हूँ. बस अभी जो लिखा है उसमें 57 last दिख रहा था, ये बोली कर रही हूँ, सबके करूँगी. Don't worry. तो
56 के बाद 57 कर रहे हैं जो प्रॉब्लम नंबर 57 सेज In an experiment, it is found that 2.0769 gram of pure X produces 3.6769 gram of X2O5. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है. X giving us X2O5. So I need to balance. So this is 2 moles of X. और ये 5/2 moles of O2 हो जाएगा. So I wrote this balance equation. X plus oxygen giving me X2O5. अभी इसमें जो मास दिया है वो X का दिया है 2.0769 grams. And they say प्रोडक्ट का मास इज 3.6769 ये मास दिया है. सो वी नो कि किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है. द मास इज कंजर्व ड्यूरिंग एनी रिएक्शन. सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास आई कैन ऑलवेज कैलकुलेट हाउ मच इज द मास ऑफ ऑक्सीजन That will be needed here. Oxygen का mass आ जाएगा जो 3.6769 minus this है. So this is coming 1.6 grams. Is the problem clear here? Yes ma'am. तो ये जो 1.6 grams of oxygen है they are 5/2 moles. तो जो रेशियो है x इज टू ऑक्सीजन का अगर x 2 मोल है तो आपका ऑक्सीजन 5/2 मोल है 2.5 मोल है. तो ये 5/2 मोल इज 1.6 ग्राम्स. तो मुझे 1.6 ग्राम्स के मोल्स निकालने पड़ेंगे अभी. So this 1.6 grams of oxygen that I'm having, I'm dividing this by gmm of oxygen. So how many moles it comes? 1/20, 0.05. 0.05 moles. ये हो गए मेरे 0.05 या 5 × 10^-2 moles. मैं 1/20 रखने तो इजी पड़ेगा. क्या बोल रहा है? अगर 1/20 छोड़ेंगे तो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन. 1/20 नहीं आ रहा है? नहीं मैम, अगर 1/20 छोड़ेंगे तो कैलकुलेशन में एंड में इजी होगा. हाँ कैसे भी करो, I mean everybody has their own way of calculating. So I said these many moles. तो जो 5/2 moles है वो कितने हैं? तो 2 moles कितने होंगे बोलो? 1/10, 0.1 मोल. So I will say 5/2 moles जो है, they are actually 5 × 10^-2 moles. तो फिर जो 2 moles होंगे, वो कितने होंगे? So 2 × 5 × 2. So this will be 4 × 10^-2 moles. तो मुझे x के moles आ गए हैं. How many moles x is? 4 × 10^-2 moles. These are the moles of x. अभी x के moles है, x का कोई moles ही आंसर पूछा है तो आ गया आंसर आपका 4. मेरे को लास्ट से समझ नहीं आया. So answer is 8. और लास्ट से फिर से बोलिए ना. लास्ट स्टेप में मैंने बस कोरिलेट किया बेटा. ये 1.6 ग्राम जो है इसके मोल्स निकाले, ये मोल्स निकाले, ये है 5 × 10^-2. ये 2 मोल होता है, ये 2.5 मोल.
तो अगर ये 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मोल्स. हाँ समझ गया, थैंक यू. दैट्स इट व्हाट आई कैलकुलेटेड. इज दैट क्लियर? सो प्रॉब्लम नंबर 57 हो गया. Somebody asked me problem number 58. I'm lekin 2 or 5 by 2 stoichiometric coefficient hai na. Haan beta. To aap moles ke sath usko kaise? Moles ka ratio stoichiometric coefficient is your mole ratio, right? Yeah, ratio remains same. To stoichiometry kya kehti hai? 2.5 mole oxygen hai. Haan. To uske liye 2 mole x chahiye. अच्छा फिर हाँ वो सब ये इतना है तो उसके लिए कितना x चाहिए वही कैलकुलेट किया मैंने. हाँ वो समझा वो समझा. Any doubt? मैं को बस कंफर्म करना था कि दोनों का रेशियो सेम होता है कि नहीं. हाँ सेम ही होगा ना बेटा. हाँ हाँ मैम. हाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नथिंग बट मोल रेशियो. So somebody has asked 58 also as a doubt. Your problem number 58 says 2.4 kg of carbon is made to react with 1.35 kg of aluminium and to form Al4C3. Beta, isme ye balance reaction likhni hai. See, problem number 58 says. Four moles of aluminium plus 3 moles of carbon will give us Al4C3. This is the reaction. अभी इसमें जो डेटा दिया है वो ये है कि कार्बन का मास दिया है 2.4 kg. And this is given 1.35 kg, right? Aluminium mass is given 1.35 kg. So we need to find the moles. We need to also understand yahan pe koi limiting ya excess reaction hai kya, and then accordingly we need to calculate the answer. Yes, see. So ye 1.35 kg is going to be 1350 grams. I divided with gmm of aluminium to understand how many moles are there. So that is 27. Moles. Kitne moles aayenge ye? 50. 50. 25 is 135. So ho gaye 50 moles. 2.4 kg jo hai, wo 2400 grams ho gaya. Carbon ka atomic mass 12 hai. 200 moles. So it would be 200 moles. तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मोल्स है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. सो आई टेक अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये आ जाएगा 12.5 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. 60 समथिंग. 66.67. यस. तो अभी इसमें इज दिस रेशियो इक्वल टू व्हाट इज लेस एल्युमिनियम. तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग क्या हो गया? एल्युमिनियम. एल्युमिनियम. तो वी फाउंड आउट कि ये रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट ये. तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में खत्म हो जाता है. And your product is formed as per limiting reagent. So we will simply say as per stoichiometry, since 4 mole of aluminium is giving 1 mole of Al4C3. 50 moles. Therefore, 50 moles. Of aluminium will give, and the answer will be 50 by 4 moles. 12.5. Of Al4C3.
So that is equal to 12.5 moles of Air4C3. तो Air4C3 के moles कितने बनेंगे? ये हो गया है 12.5. अभी इन्होंने मास पूछा है, मैक्सिमम अमाउंट. सो आई नीड टू कैलकुलेट GMM ऑफ Air4C3. दैट विल बी 27 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3. तो कितना आंसर आ जाएगा? 108 प्लस 36 144. तो इसका GMM आ गया 144 ग्राम्स. सो देयरफॉर मास ऑफ Al4C3 विल बी 144 इनटू 12.5. वन मोल इज 144 ग्राम्स. So 12.5 moles will be how much? So the answer is going to be kitna aa raha hai? 1.8 kg. 0.8 something. 1.8 kg, ma'am. 0.8 kg. Iska answer grams mein aayega. Abhi jo karenge, ye aa jayega 1800 grams. Because this is in grams. Ye answer mera grams mein aa jayega. 1800 grams. Kg will be 1.8 kg. So this clears problem number 58. Chalo aage ke doubt batao. Ma'am, subjective. Haan, jo bhi hai. Ma'am, page number 51. Page number 51, 10, 11. So page 51, 10, 12, question 10, question 11, or below. Page number 52-23. Okay. Ma'am, page 67, question number 9. 47, 69. Ma'am, 72 and 73 also. Page number 49. Question 8. What's the page, beta? 49. Question 8. 49. Page 49. Question 8. Okay. So, be 47. Ma'am, page 50. Question number 23. Let me finish this. Page 50. Question. I'm 24 also on page 50. I'm 25 and 28 on page 50. 23. 23. 25, 23, 24, 28. Sir. Please, one person speak at a time. I can't understand. 23. Let me finish till here. We discuss. Now, we have so many. Ma'am, ye module ka hai na? हाँ, ये मॉड्यूल के चल रहा है बेटा. ओके. पेज नंबर किसके लिख रहे हैं अदरवाइज? नहीं मैम, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आगे हैं, कुछ कुछ पीछे बोल रहे हैं, पेज पता नहीं इसलिए. नहीं, मॉड्यूल के पेज से पेज नंबर 50 का 27 एंड 20. मैम, ये जेई मेंस के या एडवांस के? सब्जेक्टिव है. नहीं, ये मेंस सब्जेक्टिव है. अभी क्वेश्चन बिल्डर के चल रहे हैं. ये जो 46-47 पेजेस जो दिए है वो फाउंडेशन बिल्डर के है. उसके आगे ये फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव लग रहा है मुझे. मैंने क्वेश्चन में 51 पे 49 लिखवाया आपसे, इसलिए मैं पूछ रहा था.
ये 47 के करेक्ट है जिसने भी लिखवा है, इसमें कुछ गड़बड़ है? ओ मैम 47 ऑब्जेक्टिव है, पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 69 मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम वो पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 6 भी। I'm confused. Do you have this doubt or no? Yes, ma'am. Ma'am, I'm telling of 49. Ma'am, someone's doubt is question number 8. And my so someone, somebody six. Made me write page number 47 pe ye doubt. Ye hai ki nahi, ye koi answer karega mujhe? Ma'am, ye 49 pe hai. Yes, ma'am, hai. Ma'am, ye 49 page pe hai. नहीं बेटा, ये पेज नंबर देखना जो गूगल पे आ रहा है वो नहीं देखना, पेज नंबर 47 है, डोंट गेट कंफ्यूज। यू सी द पेज नंबर ऑन दैट पेज प्रिंटेड एंड डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ओके सॉरी। सो यू चेक द पेज नंबर, दिस इज 47 ओनली। एम आई क्लियर? यस मिस सॉरी। इज समबडी हैविंग दिस डाउट और नो? मैम 72 and 73 are there। अपने 72 दो बार लिखा है। तो 72 और क्या है? 73 इसलिए 73। हाँ ठीक है, तो ये चार डाउट करने हैं ना बेटा, ये पेज के कि नहीं करने, ये बोलो। यस मैम करने हैं। करने हैं। आप बार-बार आप पेज बदल रहे हो, पेज बदलने से उस पेज पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो आप बोल रहे हो। So first check the page numbers properly. What are printed on page? Ma'am, page number 50 का 27 में। So please now let me solve this and don't confuse me with more page numbers. Yes. I've confirmed these problems on page number 47. I will go to next page and ask you the doubt. So right now I'm on page number 47, solving doubt number 60, problem number 69. Which says element X reacts with oxygen to produce X2O3 in an experiment. It is found that 1 gram of X produces 1.16 gram of X2O3. The atomic weight of X will be. So this is again a very similar problem to what I've already solved. आपको डिफरेंस से मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे मोल्स और उससे रिवर्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे जो अभी मैंने एक प्रॉब्लम में किए थे। स्टिल यू वांट मी टू शो, आई विल शो यू। एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस X2O3, प्रॉब्लम नंबर 69। एक्स इज रिएक्टिंग विद O2 टू प्रोड्यूस एक्स O3, balancing ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। So this is the balance reaction for formation of X2O3. So the data given is in an experiment it is found that 1 gram of X, तो ये X की amount D है 1 gram and this is producing 1.16 gram of X2O3. इसका मास दिया है 1.16 gram. तो ऑक्सीजन का मास आ गया 0.16 grams. इस मास से ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे, उस मोल्स से X के मोल्स आ जाएंगे और X का मॉलिक्यूलर मास भी आ जाएगा। ये किसका डाउट है बेटा, समझ रहा है आपको? The one who asked me this doubt, can you do after this or you want me to solve after this? Ma'am, आपने 63 to 71 class में lecture में कराया था 63 to 71. हाँ मैंने सब करवाया है, ये सारे questions करवाए, but फिर भी कोई दोबारा पूछ रहा है, maybe not paying attention होगा, maybe absent होगा, कुछ भी हो सकता है ना। See, as long as ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है मुझे आपके फेसेस नहीं दिख रहे हैं, आई एम क्लूलेस, सो आई एम आंसरिंग ऑल द डाउट्स। सो समबडी हु आस्क्ड मी दिस डाउट, इज इट क्लियर टिल हियर?
देखो आप बोलोगे नहीं तो देर इज नो पॉइंट मी सॉल्विंग द क्वेश्चन आई हैड. किसी का तो डाउट है, अगर किसी का नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं. व्हाई एम आई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अननेसेसरीली. I will go to next question. Next question is question number 71. Question number 71 says, if half mole of oxygen is combining with aluminium to form Al2O3, the weight of aluminium used in the reaction will be. So question number 71 is talking about aluminium plus oxygen giving you Al2O3. So again, I need to balance this. This is the balanced reaction for formation of Al2O3. The hint given is ki half mole hi hai oxygen. So instead of 3/2, what we have is half mole of oxygen. So aluminium kitna hoga? So jab hi 3/2 mole oxygen hota hai, aluminium 2 mole hota hai. तो जब भी हाफ मोल ऑक्सीजन होगा एल्यूमिनियम के मोल्स कितने होंगे. कैन वी फाइंड आउट दिस. आंसर इज यस 3/2. सो 3/2 मोल O2 नीड्स 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. सो देयरफॉर हाफ मोल O2 विल नीड हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. सो दिस विल बी सिंपली हाफ into 2 upon 3/2. क्या आ जाएगा आंसर बोलो. 2/3 And then we can aramse find out what is the mass of 2/3 moles of aluminium. So aluminium is 27 into 2/3 moles. So the answer will be 80 grams. So ye jo problem number 71 hai, iska answer aa gaya 18 grams. Ma'am, ye orange house mein homework mein diya tha na aapne. Kya bole beta? Orange house mein ye nahi hua hai na. हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का होमवर्क नहीं मिला, ये उसके अंडर है. पर बट ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का प्रॉब्लम है ही नहीं. तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? वही पूछ रहा हूँ. तो ये स्टोइकियोमेट्री का ही प्रॉब्लम चल रहा है. ये स्टोइकियोमेट्री है ना, बेसिक स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम है. रॉन्गली गिवन अंडर दैट हेडिंग है ये. So problem number 72 says 1 mole of potassium chlorate is thermally decomposed and excess of aluminium is burned in gaseous product. How many moles of aluminium oxide will be formed? So इसमें दो चीजें combine की गई है. Thermal decomposition of potassium chlorate. So we have seen this reaction so many times. इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने किए हैं पोटेशियम क्लोरेट के रिएक्शन के. सो प्रॉब्लम नंबर 72 टॉक्स अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KCLO3 गिविंग यू KCl एंड 3/2 मोल्स ऑफ O2. ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KCLO3 है. सो द प्रॉब्लम सेज हमने 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट को थर्मली डिकम्पोज किया एंड द एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट. तो ये जो गैसियस प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है O2, इसमें एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम को बर्न किया है. सो एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद दिस ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. They are asking us how many moles of aluminium oxide will be formed. So, ये reaction का balancing कुछ ऐसा है. तो
पहले स्टेप में 3/2 मोल्स O2 ही बन रहा है और दूसरे स्टेप में 3/2 मोल्स O2 ही चाहिए. तो 3/2 मोल्स O2 के लिए कितना मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा? आंसर मतलब आ गया 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड. व्हाट एल्स? कुछ भी नहीं करना इस प्रॉब्लम में, बस दो रिएक्शंस लिखने और आंसर आ गया. So if I start with 1 mole of potassium chlorate, it is giving me 3/2 mole of oxygen. And that 3/2 mole of oxygen is required by 2 moles of aluminium to produce 1 mole of air 2O3. So answer of this problem is going to be A, that is 1 mole. The aluminium oxide produced is going to be 1 mole. If we are burning excess of aluminium, in 3/2 moles of O2, aluminium oxide produced is 1 mole. आपने लास्ट क्या बोला? मैंने लास्ट में ये बोला कि 3/2 moles O2 के साथ aluminium को आपने हीट किया, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर 2O3 बन रहे हैं रिएक्शन ऑन द बोर्ड इज 1 मोल. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एयर 2O3 आर फॉर्म. सो आंसर इज 1 मोल ऑफ एयर 2O3 आर फॉर्म. 73rd क्वेश्चन पोलैरिटी और डेंसिटी पे है, वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में ये डेंसिटी मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ बेसिक मोलैरिटी वाले हैं. सो आई फिनिश डिस्कसिंग डाउट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 47. एनीवन हैज डाउट ऑन क्वेश्चन नंबर 48? एनी डाउट ऑन क्वेश्चन नंबर 48? इफ नॉट देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट स्टार्ट्स इज फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव. I see first doubt here. Question page 49, question 8. Ma'am. Bolo. Ma'am, in that page number 47, ma'am, can you do question number 80? Yes, page number 47, 48 pe hai beta, question number 80, right? Yes, ma'am, 48. So I'm doing the last question in that exercise. Problem number 80 says 25 ml of HCl solution gave on reaction with excess of HeNO3 2.125 gram of chlorine. The molarity of HCl solution is... So in this problem, there is a equation involved, problem number 80 may, HCl is reacting with HeNO3. So I'm writing that first. So there is a reaction between HCl plus HeNO3. And this will give you precipitate of HeCl plus HNO3. Sub moles equal here. तो जो मोल्स ऑफ एच ई सी एल है वो मोल्स ऑफ एच सी एल है. मोल्स ऑफ एच ई सी एल विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ एच सी एल. डू यू अंडरस्टूड टिल हियर? आई हैव बीन गिवन हिंट अबाउट कैलकुलेटिंग मोल्स ऑफ एच ई सी एल. एच ई सी एल का मास दिया है 2.125. सो दिस इज गिवन टू अस 0.125 grams divided by iska gram molecular mass which is 143.5. I will get the moles of HeCl and this will be same as moles of HCl. This is going to be around 0.0 approximately 148 आ रहा है.
या 0.5 भी ले सकते हैं, 0.0148 मोल्स. यस. सो देयरफॉर मोल्स ऑफ HCl इज 0.0148. यहां तक प्रॉब्लम समझ में आया? अभी प्रॉब्लम में पूछा है मोलारिटी. सो योर मोलारिटी फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. आपके नंबर ऑफ मोल्स है 0.0148. आपका वॉल्यूम इन लीटर 25 ml इज 0.025 लीटर. एंड दिस इज व्हाट इज योर मोलारिटी गोइंग टू कम. So it is around 0.6 molar. So the solution is 0.6 molar. 0.5999 recurring R. Is that clear? हम volume कैसे find किया अपने liquid का? Question में है. Can you hear me, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हम कौन से पेज पे है? देखो अभी मैंने पेज नंबर 48 क्लियर किया. Can I go to next page? Yes, ma'am. Yeah. पेज नंबर अभी 49. Any doubt on page number 49? Ma'am, 10. Oh, ma'am. Somebody 10th, said 11th. 10th. I'm 13. 49 के डाउट लिखवा रहे हो मुझसे? Yes, yes ma'am. किसी ने ऑलरेडी बोला था 9, 10, 11. वो मैंने 51 पे जो बोला वो 49 पे है. निकाल दो, 49 के बोलो. 9, 10, 11. 9, 10, 11. 6, 13, 10, 18. मिस वो 51 पे जो है ना वो इरेज कर दो. 49 के पूछ रहे हो उसके बोलो बेटा, बाकी सब पेज बाद में. 13, 6. 18, 13, 14, 13, 11, 11, 12, 13, 20, 23, 8, ma'am, 23, or Okay, so I start with problem number 21. 8. Problem number 8 kehta hai, find the charge in coulomb on 1 gram iron of 21 nitrogen nitride ion. 1 gram iron ka matlab kya hai? 1 mole. To 3 Na hoga kyunki N 3 minus hai. To ye type ke problem kitne baar humne kiye hai? Ye 1 mole of N3 minus है, तो इसमें कितना चार्ज है? माइनस थ्री चार्ज है. यस मैम. यस मैम. 3 × 1.6 × 12. तो 1 मोल, 1 पे माइनस 3 है, तो 1 मोल में माइनस 3 Na आएगा. यस. एक एक आयन पे माइनस थ्री चार्ज है ना, माइनस थ्री कूलम या माइनस थ्री ई लिख सकते हैं. सो 1 नाइट्राइड आयन हैज माइनस थ्री चार्ज. सो 1 मोल विल हैव अवोगैड्रोस नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन्स. तो एक पे माइनस थ्री, तो अवोगैड्रोस नंबर में माइनस थ्री एन ए शुड बी द आंसर. 9th क्वेश्चन सेज calculate the ratio of number of oxygen atom present in 3.2 milligram of SO2 to number of sulfur atoms present in 5 millimoles of this. बेटा क्या दिक्कत है? जिस किसी का ये डाउट है, आपको मिलीग्राम्स नहीं समझ में आता, मिलीमोल्स नहीं समझ में आता, ये छोड़ के कोई डाउट मुझे नहीं दिखता.
It simply says the ratio of number of oxygen atom present in 3.2 milligram of SO2. So your 3.2 milligram is 3.2 into 10 raised to 3 grams of SO2. ये समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे ग्राम्स में SO2 आ गया, तो मैं ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. SO2 का मॉलिक्यूलर मास 64 है, दिस में भी मोल्स ऑफ SO2. अगर SO2 वन मोल है तो उसमें सल्फर वन मोल है, बट ऑक्सीजन कितना मोल है? 2 moles है. तो मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन SO2 कैलकुलेट करना है. तो सिंस आई से 1 mole ऑफ SO2 contains 2 moles of oxygen, so therefore these many moles of SO2 will contain 2 into 3.2 into 10 raised to minus 3 upon 64 moles of O. तो ये मेरे moles of oxygen आ गए. और number के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको Na से multiply करना पड़ेगा. So 2 into 3.2 into 10 raised to minus 3 upon 64, these are the moles into Na, our number of oxygen atom. इसको solve करो तो ये number of oxygen atoms आ जाएंगे in 3.2 milligram of SO2. Is it clear till here? And the next that they say, 2 sulfur atom present in 5 millimoles of Na2S2O3.5H2. तो आपका Na2S2O3.5H2 है. तो अगर ये 1 mole है तो इसमें 2 mole सल्फर है. तो अभी हमारे पास कितने मोल Na2S2O3 है इस प्रॉब्लम में? 5 millimole है. सो व्हेन आई एम हैविंग दिस 5 millimole, दैट इज 5 into 10 raised to minus 3 moles. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into 5 into 10 raised to minus 3 moles ऑफ सल्फर. तो मेरे सल्फर के मोल्स आ गए. सल्फर के मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सल्फर के एटम्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर विल बी 2 into 5 into 10 raised to minus 3 into Na एटम्स ऑफ सल्फर. और फिर इसका रेशियो ले. तो दैट इज व्हाट इज समबडीज प्रॉब्लम नंबर 9. तो 8 हो गया, 9 हो गया, 9 to 8 10. प्रॉब्लम नंबर 10 सेज calculate the total number of oxygen and nitrogen atom present in a mixture of 8.2 gram of calcium, 10 millimoles of sodium nitrate and Na by 6 molecules of NO2. So, isme bhi wahi karna hai beta. 8.2 gram of calcium hai. So, isme koi ऑक्सीजन होगा ही नहीं 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम में. तो इसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि जो मुझे रेशो चाहिए वो ऑक्सीजन इसको नाइट्रोजन का चाहिए जो कैल्शियम में नहीं है. 10 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट इस आगे तो हो जाएगा मेरे वाले, वो कैल्शियम का डाउट था उसे. हाँ, वो निकाल देना है. फिर हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 10 खत्म. मैम मेरा भी डाउट था 10th. एक मिनट, तो उसको सॉल्व करके चाहिए आगे. 10 millimoles of sodium nitrate. आ गया मैम. आ गया. एक मिनट. आगे बढ़ो. वो पूरा एक मिक्सचर नहीं है, तीन अलग अलग है क्या? क्या बोल रहे हो? मुझे लगा वो पूरा एक मिक्सचर है, उसके लिए कंफ्यूजन हो रहा था. अलग अलग कंपाउंड्स मिक्स किए है, राइट? हाँ. तो कर सकते हो ना, हर एक के मोल्स भी है जिससे तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके रेशियो ले लो. और कुछ नहीं है ये प्रॉब्लम में. हाँ, अब समझ गया. प्रॉब्लम नंबर 11 कहता है हाउ मेनी ईयर इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपी एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड.
तो ये तो मतलब एकदम स्कूल का प्रॉब्लम है. Avogadro नंबर ऑफ रुपी मतलब हाउ मेनी रुपीज. एनी आपके पास कितने रुपीज है? 6.02 इनटू 10 रेज टू 23 रुपीज है. यू हैव दीस मेनी रुपीज एंड देन दे से यू आर स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज. तो डिवाइडेड बाय 10 लाख yes divided by 10 lakh rupees se seconds aa jayenge. ye calculate karo isko convert karo aur kya ho jayega ma'am. so these many seconds will come till seconds to minutes, minutes to days, days to months to year conversion. school problem, what else? somebody has asked problem number 6. प्रॉब्लम नंबर 6 कहता है द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज गिवन 3.9854 इनटू 10 रेज टू -3 ग्राम. हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम. बेटा क्या है इस प्रॉब्लम में? एक -23 है. मैंने कहा एक एप्पल का मास 200 ग्राम से है, तो एक केजी में कितने एप्पल बैठेंगे? आप 1 केजी को उस मास से डिवाइड करोगे तो आपको 1 ग्राम को मास ऑफ 1 एटम से डिवाइड करना है. दैट्स इट. व्हाट इज द आंसर? सो 1 अपॉन 3.9854 इनटू 10 रेज टू -23 इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 6. हूएवर हैड आस्क्ड मी दिस डाउट. देन इट गोस प्रॉब्लम नंबर 13. So problem number 13 says a dot at the end of sentence has a mass of about 1 microgram. So microgram kya hota hai bolo? 10 raised to -9. -6. Micro is 10 raised to -6. -3, -9 kitna? 10 raised to -6. -3 10 raised to -3 ग्राम 1 केजी हो जाता है. 6 10 raised to -6 होगा ना? -6 होगा. मींस लाइक 10 raised to -3. 1 माइक्रोग्राम इज हाउ मच? ये आ गया तो क्वेश्चन आ गया. 10 raised to -6. 10 raised to 6 ग्राम. हाँ, 10 रेस्ट टू 6 तो कितना बड़ा हो जाएगा? माइक्रो छोटा होता है. -9 -6 माइक्रो छोटा. -9 -9 kg हो जाएगा. 1 -3 kg होगा. -6 है ना? तो ये आपको नहीं आ रहा है. 1 माइक्रोग्राम इज हाउ मच, ये नहीं आ रहा है और इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. ये आ गया तो प्रॉब्लम आ गया अभी. सॉल्व करू इसके आगे भी? तो इस प्रॉब्लम में कौन सा था वो? नंबर 14. 1 माइक्रोग्राम इज 10 रेज टू -6 ग्राम. आई लॉस्ट द पेज विट. Yeah, so we are here. Problem number हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 14 कर रहे हैं.
13 sorry, a dot at the end of the sentence has mass of about 1 microgram. Assuming that the black stuff is carbon, मतलब हमारे पास 10^-6 ग्राम कार्बन है. Calculate the approximate number of atoms of carbon needed to make one such dot. तो इतने ग्राम कार्बन है, तो इसके आगे क्या करना है? ये 10^-6 को कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, तो ये होता है मोल्स ऑफ कार्बन. और फिर एन ए इंटू 10^-6 अपॉन 12 इज गोइंग टू बी एटम्स ऑफ कार्बन. इतना सिंपल प्रॉब्लम. All clear? जिसका भी डाउट था वो. Can I go ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You get problem number 13. I'm now discussing problem number 14, which says how many iron atoms are present in a stainless steel ball bearing having a radius of 0.1 inch. And then they say the stainless steel contains 85.6% Fe by weight. और उसकी density दी है. तो सबसे पहले मुझे बता, can I calculate the volume? Yes ma'am. Yes ma'am. Of a sphere. Yes ma'am. Yes ma'am. तो volume of a sphere का क्या formula है? 4/3 pi r³. 4/3 pi r³. 4/3 pi r³ is the formula to calculate volume of a sphere. तो मेरा radius दिया है 0.1 inch, that I have to change to centimeter. Inch to centimeter क्या conversion है? 2.54 inch दिया है. So 1 inch is how many centimeters? 0.25. क्या? 0.25 centimeter आएगा. 0.25. Ma'am is asking 1 inch. 1 inch is how many centimeters? 2.54. Right? 1 inch is 2.54 centimeter. तो 0.1 inch कितना आ जाएगा? कितना सेंटीमीटर? 0.254 centimeter. ये समझ में आया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. तो हमने रेडियस या इसको कन्वीनियंस के लिए 0.25 रख के भी कर सकते हैं, है ना? तो इसको मैं रेडियस में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 4/3 pi 0.25 का क्यूब. ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा. आपको डेंसिटी दी है, तो आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास डेंसिटी है. दिस इज वॉल्यूम कमिंग. फिर मास मिल जाएगा. यू आर हैविंग डेंसिटी गिवन इन द यूनिट. ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ गया. डेंसिटी की है 7.75 ग्राम्स पर सीसी. तो वॉल्यूम है, डेंसिटी है. कैन आई गेट द मास? ये मेरा मास आ गया. यहाँ तक सबको समझ रहा है? Yes. Yes, ma'am. अभी ये जो मास है, इसमें सिर्फ 85.6% ही आयन है. तो ये जो भी आंसर आएगा, इसका आपको क्या निकालना है? 85.6% निकालना है. ये आएगा 100%. और जो 85.6 आएगा, उसमें नंबर ऑफ आयन एटम कैलकुलेट करने के लिए एक आयन एटम के मास से डिवाइड करना है. इफ यू अंडरस्टूड हाउ टू गो अबाउट प्रॉब्लम नंबर 14.
मैम सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर है ना. हाँ बेटा सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर. यस मैम. सो इज द मेथड क्लियर. मैम लास्ट क्या बोला. लास्ट ये बोला कि ये जो मास आएगा ना उसका आपको सिर्फ क्या निकालना है. स्टेनलेस स्टील कंटेन्स 85.6%. ओके. ये मास का 85.6% ही एफई होगा. मतलब ये आंसर 100 आया तो उसमें एफई कितना है 85.6 है. यस. अभी आंसर वो नहीं है. आंसर में क्या पूछा है हाउ मेनी एटम्स. तो ये 85.6 में आयन के कितने एटम. आई नीड टू डिवाइड बाय 56 टू फाइंड नंबर ऑफ आयन एटम. एज वन आयन एटम हैज अ मास 56 amu राइट. 56 यस. सो दैट फिनिशेस प्रॉब्लम नंबर 14. यस मैम. Your problem number 15 says a sample of potato starch in a ball of biomolecule mein mam kiya hai mam a starch like molecule of lower molecular mass ye minimum molecular mass ka problem hai. The product analyzed to have 0.006% phosphorus if each molecule is assumed to contain one atom of phosphorus. Then what is the molecular weight? तो इसमें क्या करना है. ये जो 0.006% है उसको यूज करना है 0.0086%. इसका मतलब क्या है आपके प्रॉब्लम नंबर 15 में. जब भी आपका फॉस्फोरस 0.0086 होता है तो परसेंट मतलब 100 आपका मॉलिकुलर मास होता है. सो इन टोटल मॉलिकुलर मास 100 the percent of phosphorus is 0.0086. So total molecule में एक atom phosphorus का है. मतलब phosphorus अगर 31 है तो total molecule का mass कितना 31 × 100 / 0.0086 should be the answer. मैम 31 की consideration में कैसे लिया. 31 इसके लिए लिया क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये बोला है द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ईच मॉलिक्यूल अज्यूम टू कंटेन वन एटम. मतलब जो एक मॉलिक्यूल है उसमें वन एटम फॉस्फोरस का है. तो वन एटम मतलब कितना 31 grams. तो टोटल मॉलिक्यूल में जो फॉस्फोरस का कंट्रीब्यूशन होगा वो 31 grams होगा. यस मैम. समझ में आया. मैम मुझे नहीं समझ में आया वो क्यों 31 दिया. क्या नहीं समझ में आया बोलो. वो 31 क्यों लिया वो नहीं समझ में आया. फिर से रिपीट कर सकते हो. पहला स्टेटमेंट समझ में आया. ये समझ में आया. हाँ मैम. मतलब अगर तेरे पास टोटल मास 100 है स्टार्च का तो उसमें फास्फोरस इतना है. यस मैम. अभी अभी एक मॉलिक्यूल का टोटल मास इज मॉलिक्यूलर मास. हाँ मैम. उसमें फास्फोरस का एक एटम है. हाँ. तो वो एक एटम का मास 31 है. हाँ मैम. तो बस मैंने कोरिलेट किया कि जब भी 0.0086 फास्फोरस होता है तो टोटल मास 100 होता है. तो अगर 31 फास्फोरस है तो टोटल मास कितना होगा. और ये जो टोटल मास होगा वो इस स्टार्च का मॉलिक्यूलर मास होगा. ओके मैम थैंक यू. दिस इज द कांसेप्ट टॉट टू यू एज कांसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास. ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कांसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया था कि बायो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. मैम. हाँ बोलो बेटा. अगर क्वेश्चन में दिया था कि मॉलिक्यूल में फास्फोरस के एक से ज्यादा एटम्स है तो हम लोग जो जितना एटम्स है उतना वेट कंसीडर करेंगे ना. हाँ उतना कंसीडर करेंगे बेटा. यस यू आर राइट.
अगर नंबर ऑफ एटम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और अगर कितने एटम्स है ये नहीं दिया और ये बोला कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो तो उसके लिए एक एटम है ये अजम्पशन करके कैलकुलेट करना होगा समझ में वैसे ही ना अभी दिया है हाँ वैसे बेटा वैसे क्या मैम तो अगर ये हिंट नहीं दिया होता कि कंसीडर कि देयर इज वन एटम ऑफ फास्फोरस इन द मॉलिक्यूल ये नहीं दिया होता तो उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वी कंसीडर वन एटम प्रेजेंट ये हमारा अजम्पशन होता है आप इसका आप जो बोल रहे हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वैसा एक प्रॉब्लम करा सकते हैं आप अभी क्या बोल रहे हो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है आप ऐसा प्रॉब्लम करा सकते हैं एक कोई एग्जांपल तो ना जोर से बोलोगे बेटा मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं ना मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना वैसा आप एक एग्जांपल करा तो सकते पहले चीज ये समझो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सिखाया है क्लास में मैंने फिर से बताती हूँ दिस इज अ स्टार्च मतलब ये पॉलीमर है इसका हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते हाँ इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका मास फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट नहीं हो सकता हाँ तो इसके लिए हमेशा कुछ हिंट दी होगी प्रॉब्लम में और वो हिंट ये है कि फॉस्फोरस का परसेंट दिया है और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में वो एक एटम है ये कंसीडर करके कैलकुलेट करना है तो ये सैंपल का एनालिसिस किया तो उसमें फॉस्फोरस का परसेंट हमने फाइंड आउट किया और उस फॉस्फोरस के परसेंट से इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया एज हियर लाइक एनी अदर मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं मीथेन ईथेन उसका फॉर्मूला लिख के आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो बट पॉलीमर्स के केस में आप फॉर्मूला ही नहीं लिख सकते यस मैम हां और क्योंकि आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते ये अल्टरनेट वेज है उसके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के तो द होल कांसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज कि उस के एलिमेंटल एनालिसिस में जिस एलिमेंट का परसेंट सबसे कम होगा उसका एक एटम है ऐसे अज्यूम करके हम कैलकुलेट करते हैं इज दैट क्लियर जो भी स्टार्च का मॉलिक्यूल होगा बड़ा सा स्ट्रक्चर वो पूरे स्ट्रक्चर में अजम्पशन ये है कि एक ही फॉस्फोरस का एटम है जिसका मास 31 है जिसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास इज गोइंग टू बी 31 तो जब भी कुछ ऐसा रहेगा दैट 31 इज गोइंग टू बी 0.0086% ऑफ दैट कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास ये दो चीजों को कनेक्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है हां अगर गिवन नहीं रहता कि वन एटम है तो हम लोग अज्यूम करते वन एटम है या कुछ और गिवन हाँ बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज किया है तो आपको अज्यूम करना है कि वन एटम है इफ द प्रॉब्लम सेज कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हाँ समझ गया सो दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 15 आई एम गोइंग अहेड द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई सी आफ्टर दैट इज प्रॉब्लम नंबर 18 पर आया है Problem number 18 says 600 ml no. of mixture of O3 and no. O2 weighs 1 gram at NTP. Calculate the volume of ozone. So, इसमें आपको NTP पे दो गैस का मिक्सचर दिया है O3 and O2. तो इसके कंबाइंड मोल्स आ जाएंगे आपके
मैम मैम उनका माइक खिल चुका है। Yeah, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, so we are solving this problem. Which is 600 ml of mixture of O3 and O2. Is weighing 1 gram at NTP. How do we solve this? कैसे solve करेंगे इसको? लेट द वॉल्यूम अज्यूम करना है, ओजोन का पूछा है तो मैं उसको अज्यूम करती हूँ। लेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन बी सम एक्स एम एल। मैम आई हैड अ डाउट इन 15th क्वेश्चन। क्या बोलो? मैम वी हैड टू मल्टीप्लाई इट विद 1000 और 100। बेटा परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 100 ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये प्रॉब्लम में 1000 कहां से आया? मैम बिकॉज 1000 ग्राम्स के लिए होता है ना मैम, और पीछे भी आंसर है 1000 के रिस्पेक्ट में होता है मैम, नॉट परसेंट, क्योंकि पीछे आंसर दिया है 3। सो व्हाट इज परसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.0086%? फाइन, अच्छा ओके फाइन, मींस 0.0086 फास्फोरस इन टोटल 100 और 1000। हमेशा 100 1000 नहीं आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So here I am assuming that the volume of ozone be XML. So अगर मैंने ozone का XML assume किया तो volume of oxygen will be 600 minus X. अभी द मास ऑफ आपका जो ओजोन मैम वी कैनॉट हियर यू। हेलो मैम। यस मैम आ रहा है। हेलो हेलो मैम, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा मैम, नहीं आ रहा, आ रहा है रे यार, तेरे कान हम लोग को दे दे, तेरे कान हम लोग को दे दे, दे दे, डोंट दे दे Amazon। मैम लीव हो गई, सर्वेश की वजह से चली गई मैम। किसको होस्ट होना है? निले हाय। हेलो हाँ बोल। सर्वेश क्या करता तेरी वजह से चले गए सब? ये डॉट 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 कौन है? डॉट डॉट डॉट
रिकॉर्ड हो रहा है वो हम लोग यूट्यूब पे देख लें। यूट्यूब में ये सब आएगा। हाँ हिम्मत होंगे। We can also edit it। इतना टाइम मैं इसको कोई कॉल करो नंबर दे। टेस्ट की तैयारी तेरी हुई तो बोल टॉप मारेगा। दिया नंबर भाई जब लेक्चर खत्म होने आया मेरे एक दो डाउट बाकी थे। हेलो एनीवन देयर? नो सर्वेश चुप रहे। ये सब रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम आ रही है। आप सुना आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस मैम। यस मैम यस मैम ध्यान दो। आई वाज सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 18 अभी सुनाई दे रहा है। मैम स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ब्लर है। हां मैम बहुत ब्लर है। स्लोनेट है इसकी वजह से हो रहा होगा। हाँ ये क्या नहीं था क्या बोर्ड पर डर दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा मैम। कैन एनीवन स्पीक बेटा? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। जस्ट समबडी वन पर्सन प्लीज स्पीक। मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है। मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। जस्ट होल्ड फॉर 5 मिनट्स। हाँ मैम जस्ट होल्ड फॉर 5 मिनट्स। सारे तो चले गए। कैन यू सी इट क्लियरली नाउ प्लीज चेक? यस मैम पर ब्लर है अभी भी स्क्रीन। ग्रेट मिस मैम स्क्रीन अभी भी ब्लर है। हाँ बोलो बेटा। लिखा हुआ नहीं दिख रहा है।
मैम अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है मैम। दिखेगा दिखेगा शांति। हम आ रहे आ रहे। आ गया। हाँ मैं बड़ा लिखती हूँ और मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ सेम चीज। तो प्रॉब्लम नंबर 18 में O2 और O3 के वॉल्यूम्स दिए हैं, तो जिसमें मैंने अस्यूम किया कि वॉल्यूम ऑफ O3 को x ml अस्यूम किया, टोटल वॉल्यूम दिया है 600। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आएगा 600 माइनस एक्स एम एल। अभी आपका 22.4 लीटर ओजोन है, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 42,400 मिलीलीटर। हाँ तो उसको मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करती हूँ और लिखती हूँ कि 22400 एम एल ओ थ्री इज गोइंग टू बी 48 grams. So therefore, x ml है ओजोन, तो उसका मास होगा 48x/22400 grams. And similar thing I do for oxygen. तो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास होता है 32. मतलब 22400 एम एल ऑक्सीजन इज गोइंग टू वे 32 ग्राम्स। तो देयरफॉर 600 माइनस एक्स एम एल ऑक्सीजन इज गोइंग टू वे 600 माइनस एक्स इंटू 32 अपॉन 22400 ग्राम्स। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने एक्स के टर्म पे इस सैंपल में जो O3 है उसका मास और जो O2 है उसका मास कैलकुलेट किया। अभी मैं एक इक्वेशन बनाऊंगी और उसको एक्स के लिए सॉल्व करूंगी। दे गिव मी टोटल मास 1 ग्राम, का मतलब क्या है, मास ऑफ ओजोन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ओजोन है 48x/22400 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 600 माइनस एक्स मैम। क्या सबको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वही फ्रीज हो गया ना। सही बोला, फोन अलग है। मैम म्यूट हो। समझ में आया ये प्रॉब्लम? नहीं मैम। यस मैम। यस मैम। क्या नहीं समझ में आया, किसको मैं फिर से समझाती हूँ बोलो। मैम कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब के बीच में रुक गया था। इक्वल टू 1 ना। I equals to 1, this is 1 gram. फिर से समझाती हूँ, ध्यान दो। तो इस प्रॉब्लम में दोनों का मिलके O3 O2 का मिलके वॉल्यूम 600 ml दिया है, तो आई अज्यूम वॉल्यूम ऑफ ओजोन एज एक्स एम एल, देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम 600 माइनस एक्स एम एल। देन आई यूज द बेसिक ऑफ मोल कंसेप्ट कि 22.4 लीटर ओजोन होगा तो उसका मास 48 ग्राम्स होगा। सो आई राइट हियर सिंस 22400 ml ऑफ ओजोन is 48 grams,
therefore xml ozone is going to weigh how much? X into 48 upon 22400. So this is the mass of ozone that I got. Similarly, I talk for oxygen. Oxygen jo hai, wo one mole is 32 grams. So 22400 ml of oxygen ka mass 32 hota hai. To abhi hamare paas 600 minus X ml oxygen hai. So iska mass will be 600 minus X into 32 upon 22400. वापस फ्रीज हुआ क्या? मुझे जो दिख रहा है वो सबको वही दिख रहा है? वापस फ्रीज हुआ? यस हाँ हम स्क्रीन फ्रोज वापस फ्रीज अभी ठीक फॉर एक्स एंड दैट विल बी द आंसर यस मैम वापस फ्रीज हो गए थे बीच में मतलब आपकी वीडियो अभी ठीक है ना अभी तो कोई फ्रीज नहीं है नाउ यू कैन सी आल्सो राइट यस मैम बस बेटा इतना ही सॉल्व कर पाए आपके डाउट्स 23 बाकी है वेट कर दो ना 23 बाकी है ये पेज में बहुत बाकी है 18 भी बाकी है 20 18 हो गया 20 23 बाकी है मैम मेरे को 21 में डाउट है थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं ना एग्जाम आ रहा है मतलब थोड़ा सा खींच सकते हो आप हाँ मैं खींच सकती हूँ मैं 20 बता रही हूँ ध्यान दो अ ड्रग मारी चुना ओस इट्स एक्टिविटी टू टेट्रा हाइड्रो क्या पायोनॉल विच कंटेन 70% एज मेनी कार्बन एटम्स एज हाइड्रोजन एटम्स And 15 times as many hydrogen atoms as oxygen atoms. The number of moles in grams of tetrahydrocannabinol is given. Determine the molecular formula. इसमें बस एक equation आपको करना है. What is that equation? ये जो hint दिया है, which contains 70% as much as carbon as that of hydrogen. तो जो हाइड्रोजन है उसके 70% क्या है कार्बन है एंड 15 टाइम्स एज मेनी हाइड्रोजन एज ऑक्सीजन तो अगर ऑक्सीजन को मैंने x लिया तो हाइड्रोजन कितना है 15x इज दिस क्लियर इफ ऑक्सीजन इज x देन हाइड्रोजन इज 15x एंड इफ हाइड्रोजन इज 15x How much will be carbon? 70% of 15x. ये समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से बोलिए ना. 70% as much carbon atoms as hydrogen atoms. तो hydrogen atom के carbon atom कितने हैं? 70% है. हाँ. और आगे का हिंट कहता है कि 15 टाइम्स एज मेनी एटम्स एज दैट ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन कितना है ऑक्सीजन के 15 टाइम्स है तो इसमें मैंने ऑक्सीजन को एक्स अज्यूम किया एक रेशियो मिलेगा ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन इज टू कार्बन का और कुछ नहीं और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो अगर मैं ऑक्सीजन को x अज्यूम करती हूं x एटम्स तो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है 15 टाइम्स 15x यहां तक समझ में आया बाय रीडिंग द स्टेटमेंट हाइड्रोजन एटम्स एंड 15 टाइम्स एज मेनी हाइड्रोजन एटम्स एज दैट ऑफ ऑक्सीजन And carbon is 70% as many carbon atoms as hydrogen atoms. So carbon kitna hai? Ye 15x ke 70%. Matlab 15x tumhara 100 is 15x.
then 70 is how much? So it is 15x ka 70%. तो ये तीन आटम का सी इज टू एच इज टू ओ का मैंने एक रेशियो निकाला. इज दिस रेशियो क्लियर टू यू? यस मैम. ओके, अब इसके आगे कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स इन अ ग्राम. तो इसके वन ग्राम में कितने मोल्स है वो दिया है. सो वन ग्राम ऑफ एट. अगला हिंट, वन ग्राम इज 0.00381. सो दिस इज 0.00381 मोल. तो इतने मोल वन ग्राम वे करते हैं इसके. तो इसके वन मोल का मास क्या होगा? सो दैट विल बी वन अपॉन 0.00381 ग्राम्स. दिस इज गोइंग टू बी जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मास ऑफ वन मोल आ जाएगा. तो इफ आई कैलकुलेट दिस, इसमें जो अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स है किसी भी कंपाउंड में, तो आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते वक्त आप क्या करते हो, 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन. है ना, ये क्या है मैम? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन. अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मैंने कहा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, तो तुम 12 इंटू 6 करोगे, 1 इंटू 6 करोगे और 16 इंटू 6 करोगे कि नहीं? हाँ. तो ये नंबर नहीं पता अभी हमको, है ना, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं. तो क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, नंबर नहीं पता मुझे, बट 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होगा, 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स होगा, 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स होगा, का आंसर आता है आपका मॉलिक्यूलर मास. यस और नो? तभी मेरे नंबर है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो आई राइट 12 इंटू 15 एक्स इंटू 70 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 15 एक्स एंड प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 314.46. सो आई रोट अ इक्वेशन, सॉल्व दिस फॉर एक्स, दैट विल बी द आंसर. ऑल क्लियर? यस. 130. अभी 23 को ही बोला है ये पेज पे. हम नेक्स्ट पेज पे. हाँ, 23 नेक्स्ट पेज पे चला जाता है. 21. What is the empirical formula of a compound with 0.2801 gram of which gave on complete combustion this much gram of carbon dioxide and this much gram of 21st question on 49th page. 21st लिखवाया नहीं था बेटा किसी ने.
हाँ 23 लिख दिया शायद आपने 21 की जगह नहीं 23 चाहिए मैम 23 है तो 21 क्वेश्चन कहता है अ गिवन सैंपल ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल टाइप एक्स ई एफ एन वेयर एन इज अ होल नंबर इफ ये बेटा कितना सिंपल है इफ 9.03 × 10^20 मॉलिक्यूल्स का मास दिया है तो क्या आप एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हो बेटा यस मैम तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा जिससे एन की वैल्यू आ जाएगी यस ऑर नो एक मिनट फिर से बोलिए यू हैव बीन गिवन 9.03 × 10^20 मॉलिक्यूल्स मास Yeah. From this, can you calculate Avogadro's number of molecules mass? Yeah. That is a molecular mass. X E F पूरा एक है और n bracket में या F n? वो छोड़ दो मैंने क्या कहा molecular mass तक calculation हाँ. समझ में आया? हाँ. अभी molecular mass मतलब xenon का mass. हाँ. Plus n times fluorine का mass. हाँ. So you'll write a equation xenon का mass plus n times fluorine का mass equal to that molecular mass. Solve it for n. समझ गया. ठीक है. Problem number 23 says what is the empirical formula of a compound? 0.2801 gram of which gave on complete combustion. 0.9482 grams of carbon dioxide. तो ये carbon dioxide के moles निकालने आ जाएंगे, water के moles निकालने आ जाएंगे. दोनों का mass दिया है. Can you calculate the moles? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने combustion का x y वाला formula दिया था, उसमें डाल के solve कर सकते हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ जाएगा. आ जाएगा ना? जो तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है वो x होता है और जो वाटर के मोल्स है वो y by 2 होता है प्रॉब्लम सॉल्व हाँ यस मैम और प्रॉब्लम नंबर 30 जिस किसी ने पूछा है ये क्लास में सॉल्व किया है सीरीज रिएक्शन विद परसेंट इट इज देयर इन क्लास वर्क प्रॉब्लम सीरीज रिएक्शन प्लीज रिफर सीरीज में मैंने तीन प्रॉब्लम किए थे लास्ट प्रॉब्लम ये है तो और कितने डाउट्स पेंडिंग है अभी आपके बहुत सारे हेलो बेटा इतने दिनों से क्या कर रहे थे मोल कंसेप्ट 2 महीने से चल रहा है और लास्ट दिन अभी परसों एग्जाम है तो बहुत सारे डाउट लेके आज कैसे बैठ गए आप लोग मैम मैंने तो आपको डाउट व्हाट्सएप भी किए थे व्हाट्सएप पे पॉसिबल ही नहीं है केटरिंग एट अ टाइम सो मेनी स्टूडेंट इम्पॉसिबल फॉर अ टीचर टू सॉल्व योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप मैम बोलो बेटा गूगल से देखो मैम एग्जाम में सारे जो मूल कॉन्सेप्ट के सम्स रहेंगे अगर उनमें स्टोइकोमेट्री का है तो इक्वेशन दिया रहेगा ना ऐसे कुछ नहीं कभी तेरे को लिखना भी पड़ेगा बेटा बट वो वही होगा जो दैट इज इफ कोई नया इक्वेशन नहीं आए मतलब अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें बहुत सारे इक्वेशन तुम लोग ने लर्न किए कि नहीं जो मे बी पहले तुमको नहीं पता थे बट अभी हमारे बुकलेट में या असाइनमेंट में सॉल्व करके तुमको पता चल गया ना तो इट वोंट बी एनीथिंग अ न्यू रिएक्शन कमिंग दैट्स फॉर श्योर ओके ओके मैम रिएक्शंस विल बी सेम एज व्हाट आर डन विद यू टिल नाउ दैट इज फॉर श्योर ओके ओके मैम मैम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले लो ये मेंस का ही एग्जाम है बेटा
मैम बोलो मैम मॉलिक्यूलर मास दिया होगा मतलब किसी का मतलब वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या मैम मतलब किसी इक्वेशन के नीचे मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होगा या दिया होगा नहीं नहीं दिया होगा बेटा और वो वही होंगे सिंपल सिंपल जो हम कर रहे हैं सल्फर ऑक्सीजन ये सब याद है आपको इसका क्या देने का एटॉमिक मास ठीक है तो जो हमने किया वही कुछ नया नया नहीं अलग से नहीं जैसे अभी किसी प्रॉब्लम में ज़ेनॉन आया तो ज़ेनॉन नया है एल्यूमिनियम आ गया कार्बन आ गया ऑक्सीजन आ गया तो इसका एटॉमिक मास क्यों देना चाहिए नहीं मतलब मैम बेरियम जैसे होता है मैम उसका क्वेश्चन था तो नहीं वैसे डिफिकल्ट नहीं और आपको बुकलेट सॉल्व करते वक्त किसी का भी डाउट आ रहा है तो गूगल करो ना फटाफट मैम रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगा रिकॉर्डिंग इमीडिएटली अभी डाल दूंगी जैसे ही लेक्चर बंद होगा मुझे मेल आएगा तो मैं डाल देती हूँ मैम पर एग्जाम के टाइम तो गूगल नहीं कर सकते ना एग्जाम के टाइम पे मैं कितने बार बोल रही हूँ कि जो सिंपल डेली टाइप्स के आइटम है उनका okay. ही आएगा एट दिस स्टेज ठीक है मैम ओके मैम वही बोल रही हूँ मैं कोई अलग है जैसे अभी यहाँ पे ज़ेनॉन आया था तो ज़ेनॉन का देना जरूरी है वो दिया होगा अदरवाइज नॉर्मल एटम्स ही होंगे बेटा ठीक है तो चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी डू वेल स्ट्रेस नहीं लेना जो आता है वो ठीक से करो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज नाउ जो आपको आ रहा है बेसिक असाइनमेंट जो दिए थे वो अच्छे से करो बेसिक में सही रहो At the end minute, always if you try to do difficult, you know, you won't be getting it right. End minute pe difficult karoge, to confuse ho jaoge. So end minute pe wahi baar baar karo jo tumko aa raha hai. Theek hai? Yes, ma'am. Bye, everybody. Take care and best of luck. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. We'll add something to your. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. लास्ट टाइम से एमटी स्कोर थोड़ा सा आपका बढ़ना ही चाहिए ये बार बाय एवरीवन बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय 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 मैम